धौलपुर जिले की बसईडांग थाना पुलिस ने चंबल के बीहड़ों में कार्रवाई करते हुए 6000 के इनामी डकैत विशाल गुर्जर को गिरफ्तार किया है। बसईडांग थाना प्रभारी कैलाश गुर्जर ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले में वांछित अपराधियों की धरपकड़ के लिए पुलिस अधीक्षक मृदल कच्छवा के निर्देश में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। धरपकड़ अभियान के दौरान बसईडांग थाना पुलिस को जरिए मुखबिर सूचना मिली कि 6000 का इनामी डकैत विशाल पुत्र कन्हैया गुर्जर निवासी सुख सिंह का पुरा थाना इलाके के गांव गजपुरा चौराहे के गांव चंदील का पुरा जाने की फिराक में है। मुखबिर की सूचना पर एसपी से संपर्क स्थापित कर जिला मुख्यालय से पुलिस की क्यूआईटी फोर्स को बुलाया गया। पुलिस बल के साथ डकैत की घेराबंदी कर चंदील का पुरा की घाटी के पास डकैत को दबोच लिया। पुलिस ने बताया डकैत विशाल जगन डकैत के छोटे भाई पप्पू डकैत का सगा साला है, जो पप्पू और केशव डकैत गैंग का सक्रिय सदस्य रहा है। डकैत विशाल पर धौलपुर पुलिस की तरफ से 5000 एवं भरतपुर पुलिस की तरफ से 1000 रुपए का इनाम घोषित था। डकैत विशाल जिले के टॉप 10 अपराधियों में शामिल रहा है, जिस पर धौलपुर और भरतपुर जिले में लूट अपहरण चोरी हत्या के प्रयास जैसे संगीन मामले दर्ज हैं। पुलिस ने डकैत को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस ने संभावना व्यक्त की है, पूछताछ के दौरान आरोपी डकैत से बड़ी वारदातों के भी राजपास हो सकती है। सर, आज 6000 रुपए का इनामी डकैत गिरफ्तार किया है। हाँ, ऐसे जो बसेडांग में जगन गुर्जर डकैत और केशव के सहयोगी रहे हुए विशाल को आज गिरफ्तार किया है। इस पे जिला पुलिस की तरफ से 5000 का इनाम घोषित किया हुआ है और 1000 का इनाम जिला भरतपुर की तरफ से घोषित किया हुआ है और थानाधिकारी की टीम ने इनको गिरफ्तार किया, अच्छी सफलता हासिल की है। अभी से पूछताछ कर रहे हैं और दूसरे अपराधियों के बारे में भी कोई जानकारी मिलेगी। जिला शिक्षा अधिकारी से पदोन्नत हुए मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी महेश रजवानी ने बुधवार को अपने नए पद पर कार्यभार ग्रहण कर लिया। CDEO रजवानी ने कार्यभार ग्रहण करने के बाद अपनी प्राथमिकताओं की चर्चा करते हुए कहा कि मेरा प्रयास रहेगा कि धौलपुर जिले का कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे और जो भी नागरिक व कर्मचारी शिक्षा अधिकारियों के पास अपनी समस्याओं के लिए आते हैं उनके कार्य प्राथमिकता से किए जाएं। उन्होंने कहा कि विभाग के सभी अधिकारी शिक्षक एवं कर्मचारी टीम भावना के साथ कार्य कर शिक्षा के क्षेत्र में राज्य सरकार की बाल कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार करते हुए जिले के सभी बच्चों को लाभान्वित करने का लक्ष्य पूर्ण करें। इस अवसर पर रजवानी के मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी बनने पर विभिन्न संगठनों अधिकारियों व कर्मचारियों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया और आशा व्यक्त की कि उनके नेतृत्व में जिले में शिक्षा के क्षेत्र में और अधिक गति आएगी। मैं महेश चंद्र रजवानी CDO धौलपुर के पद पर आज ही कार्यग्रहण किया है और आज ही मैंने सभी कर्मचारियों को यहाँ के जितने भी स्टाफ के DO रैंक के जितने भी अधिकारियों को बुला करके और उनको पहली प्राथमिकता अपने तालमेल बैठाने की है। सब तालमेल बैठा करके अपना कार्य करें क्योंकि अपना जिला रैंकिंग में जिला अपना पीछा चल रहा है थोड़ा सा, तो अपना पूर्ति कराएंगे। और आज मैंने एक निष्ठा प्रशिक्षण का अवलोकन भी किया और उसमें जाकर के आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए और जो भी कोई निष्ठा में जो भी कोई कार्य करवाया जाता है तो कृपया अपने स्कूलों में जा करके उसको बच्चों को उत्साहवर्धन करते हुए बच्चों को आगे बढ़ाएं। धौलपुर पुलिस अधीक्षक मृदल कच्छवा के निर्देशन में दो थानों की पुलिस ने गांव बिलोनी में जुआ के अड्डे पर कार्रवाई करते हुए जुआ राशि 4,33,140 रुपए जब्त कर मौके से 17 जुआरियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस के मुताबिक पुलिस थाना कंचनपुर के बिलोनी गांव में देर रात जुआ होने की सूचना मिली थी, जिस सूचना पर सैपव थाना SHO अनूप सिंह के नेतृत्व में सैपव थाने के पुलिस जाब्ता पुलिस थाना सदर पुलिस लाइन धौलपुर व कार्यालय के पुलिस जाब्ता की संयुक्त टीम गठित कर गांव बिलोनी में दबिश दी गई। पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में गांव बिलोनी से जुआ खेलते हुए 17 जुआरियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से 4,33,140 रुपए जब्त किए हैं। कार्रवाई के दौरान मुलजिम जीतू उर्फ जीते ठाकुर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने उक्त सभी मुलजिमों के खिलाफ अभियोग दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया है और फरार मुलजिम जीतू की तलाश कराई जा रही है। श्रीमान SP साहब धौलपुर के निर्देशन में अवैध ज्वारी अवैध कार्रवाई हेतु अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत संयुक्त टीम द्वारा गांव बिलोनी में अटल सेवा केंद्र के पीछे 17 ज्वारियों को जुआ खेलते हुए पकड़ा। दो ज्वारी मौके से फरार हो गए, बंटी और जितेंद्र, जिनकी तलाश की गई परंतु नहीं मिले। 17 ज्वारियों को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से
4,33,140 रुपये बरामद किए गए हैं। थाना कंचनपुर पर मुकदमा दर्ज किया जाकर मेरे द्वारा जांच की जा रही है और फरार आरोपियों की तलाश जारी है। क्या इसमें वाहन वगैरह भी जब्त किए? ना, वाहन कोई जब्त नहीं किया, बाकी 70 जुआरियों को गिरफ्तार किया गया है। राशि कितनी है? राशि 4,33,140 रुपये। धौलपुर जिले के ग्रामीण इलाकों में विद्युत निगम की टीम ने अवैध तरीके से जम्पर डालकर बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई को अंजाम दिया है। विद्युत निगम की टीम ने करीब एक दर्जन कार्रवाई करते हुए भारी तादाद में जम्पर की केबलें बरामद की हैं। विद्युत निगम ने आरोपियों को चिन्हित कर जुर्माना भरने की कवायद शुरू कर दी है। विद्युत निगम के कनिष्ठ अभियंता रामविलास लहरी ने बताया कि जयपुर विद्युत निगम के आदेशानुसार बिजली की अनाधिकृत रूप से चोरी करने वालों के खिलाफ धरपकड़ अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें आज विद्युत निगम की टीम ने जिले के विभिन्न गांवों में कार्रवाई को अंजाम दिया है। विद्युत निगम की टीम ने ग्रामीणों के घरों से विद्युत पोल पर पड़े जम्परों को जब्त किया है। आरोपी ग्रामीणों की फोटोग्राफी का चिन्हित कर लिया है, जिनके खिलाफ विद्युत विभाग कठोर कार्रवाई करेगा। कार्रवाई के दौरान विद्युत निगम की टीम ने भारी तादाद में तार भी बरामद किए हैं। JEN ने बताया बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ लगातार अभियान जारी रहेगा। गांव झीलदा एवं सैंपल सिटी में कार्रवाई की गई, जिसके दौरान अवैध जम्परों एवं बकाया वसू दीवारों के कनेक्शन काटे गए और ये कार्रवाई जारी रहेगी। अगर बिल नहीं जमा कराते हैं या अवैध PSL डालते हैं तो हम हटाने का काम जारी रखेंगे और इस पर DCR की भी कार्रवाई की जाएगी। धौलपुर पुलिस अधीक्षक मृदुल कछवा के निर्देशन में वांछित वारंटियों की धरपकड़ हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत आज पुलिस थाना बाड़ी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक स्थायी वारंटी को पकड़ने में सफलता मिली है। पुलिस ने मुखबर की सूचना पर दबिश देकर एक अस्थायी वारंटी बनवारी पुत्र बच्चू जाति गुर्जर निवासी जमूरा थाना सदर बाड़ी को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया स्थायी वारंटी पूर्व में डकैत जगन गुर्जर के गैंग में शामिल रहा है और ये पिछले लगभग 11 साल से स्थायी वारंटी में फरार चल रहा था। धौलपुर शहर के नाना साहब के बाड़े में शिव मंदिर पर चल रही श्रीमद भागवत कथा के तीसरे दिन कथावाचक आचार्य योगेश तिवारी ने आज बुधवार को कथा में प्रहलाद चरित्र की कथा का रोचक वर्णन करते हुए कहा कि प्रहलाद भगवान के अनन्य भक्त थे, जिसके कारण प्रहलाद को उनके पिता हिरण्यकश्यप ने उन्हें अनेक कष्ट दिए। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को गर्म तेल के कढ़ाई में डलवा दिया, होली में जलाने का प्रयास किया, साथ ही गर्म खम्भे पर लटकाने सहित अनेक कष्ट दिए, लेकिन भगवान ने उसकी हर जगह रक्षा की। अंत में खम्भे से भगवान ने नरसिंह भगवान का रूप लेकर अवतरित होकर हिरण्यकश्यप का अंत कर दिया। कथा को सुनकर श्रोता भावविभोर हो गए। कथा वाचन के दौरान भक्ति गीतों ने कथा में उपस्थित सभी भक्तों का मन मोह लिया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में भक्तगण मौजूद थे। धौलपुर शहर की केला कॉलोनी निवासी श्रीकांत मुद्गल पुत्र अर्जुन सिंह शर्मा को संस्कृत विश्वविद्यालय के तृतीय दीक्षांत समारोह में राज्यपाल कलराज मिश्र, डॉक्टर सुभाष गर्ग, शिक्षा मंत्री राजस्थान डॉक्टर अनुला मोर्य, कुलपति डॉक्टर मंजुला चौधरी, शासन सचिव व ज्योति भारद्वाज पंजीयक ने सम्मान विद्यावारिधि PhD की उपाधि से विभूषित किया। मुद्गल को यह उपाधि राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर के प्रोफेसर डॉक्टर राजधर मिश्र के सानिध्य में व्याकरण विषय से शोध करने पर हासिल हुई है। मुद्गल वर्तमान में भोपाल मध्य प्रदेश में शासकीय गुरुकुलम विद्यालय में संस्कृत शिक्षक के पद पर कार्यरत हैं।